हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इमली राइस बनाने जा रही हूँ। ये एक साउथ इंडियन डिश है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने चावल लिए हैं 1 कप, इमली स्वादानुसार। इमली को मैंने भिगो कर इस तरीके से उसका पल्प निकाल के रख लिया है। हरी मिर्च 2 से 3, सरसों 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च 2, हल्दी 1 छोटा चम्मच, चना दाल 1 छोटा चम्मच, उड़द दाल 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता, थोड़े से तेल 1 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, शुगर 1/2 टीस्पून बैलेंस करने के लिए खट्टे को। आइए अब हम इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। अब ये तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों डाल रही हूँ। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ा सा चटकना शुरू ना कर दे। अभी सरसों हो चुकी है। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। हमें लाल मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए कुक करना है। अब मैं इसमें उड़द दाल डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें चना दाल डाल रही हूँ। मैं इसे ब्राउन होने तक कुक करूंगी। अब ये ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से बीच से काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी। अब मैं इसमें इमली डाल रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और नमक। हमें इसे 30 सेकंड के लिए पकाना है। खट्टे को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 1/2 टीस्पून यूज किया है। अब मैं इसमें बॉइल्ड राइस डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, हमें इसे सिर्फ 1 मिनट तक कुक करना है क्योंकि राइस जो हमने यूज किए हैं वो ऑलरेडी कुक्ड है। अब हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है और सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।